माँ का इतना कहना था कि सुरेली को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन सुरेली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुरेली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समय दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सुरेली का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा वह महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी सुरेली का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सुरेली अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि कनक ने भी उसके घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं की, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। सुरेली ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई सारांश माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और सारांश सुरेली से छोटा था, परंतु कनक के आने के पश्चात जब सुरेली अपने मायके पहुँची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। अब माँ बाबूजी को सारांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई सारांश की शादी से पहले तक सुरेली को ऐसा कभी भी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं। बावजूद इसके कि सारांश सुरेली से छोटा था, परंतु कनक के आने के पश्चात जब सुरेली अपने मायके पहुँची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू कनक के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देखकर सुरेली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है, यह बात सुरेली के समझ से परे था। सुरेली को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ सुरेली से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे सुरेली की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वह भी वे पर्दे जिन्हें सुरेली ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में सुरेली ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो कनक को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे, बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब यह तुम्हारा घर भी है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों सुरेली को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी सुरेली को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि सुरेली से कनक बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, आपके लिए बनाकर ले आऊं। यह सुन सुरेली को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ सुरेली ने रात के खाने का मेन्यू लिस्ट भी कनक को बता दिया। तभी सुरेली की माँ बोली, सुरेली तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सुरेली को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन सुरेली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुरेली ने मायके की तरफ
मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सुरीली मार्केट से घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी ननद मधु अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। यह देख सुरीली अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मधु का आना उसे कतई पसंद नहीं था, और उससे भी अधिक मधु का यहाँ आकर हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल भी नहीं भाता था। मधु का ऐसा व्यवहार सुरीली को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर मधु का बेतकल्लुफ़ होना अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी सुरीली पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने जाना, यह सब सुरीली को परेशान करता था, क्योंकि मधु के ऐसा करने से सुरीली पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते मधु और सुरीली के मध्य तनाव बना रहता। मधु को देख सुरीली कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में मधु और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही सुरीली किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उनके करीब बैठी मधु बोल पड़ी, भाभी, लुकवाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और फ्रिज की वजह से किचन कंजेस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। मधु का इतना कहना था कि सुरीली और मधु के बीच कहासुनी हो गई। सुरीली गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही सुरीली नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन पर सारा वृतांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक सुरीली को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि कनक और तुम मिलजुल कर रहो, तुम्हारा आना कनक को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता कि उससे वह तुम कितना प्यार करती हो, मायके में उसका मान बना रहे, इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। सुरीली को इस बात का एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंद्वियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत व प्यारा होता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। सुरीली के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद मधु के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले कमरे से बाहर चली जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।